आए दिन पंजाब सरकार अपनियां नाकामियां करके लोकां ते मीडिया दा निशाना बनी ही रहिंदी है। जिस दे चलदिआं बीते 7 दिन पहला मलेरकोटला दे पिंड भोगीवाल च जल सप्लाई विभाग दे वर्करां वल्लों अपनियां मंगां नूं लै के पंजाब सरकार खिलाफ रोस नुमाइश शुरू कीती गई सी, जिस च उन्हां दीआं मुख मंगां सी उन्हां दी नौकरी पक्की कीती जावे अते बीते कई महीनिआं तों रोकी उन्हां दी तनखाह नूं मुड़ बहाल कीता जावे। जिस दे चलदिआं रोस दे पहले दिन तों ही 6 प्रदर्शनकारी हत्थां च पेट्रोल दीआं बोतलां लैके पिंड दी पानी वाली टंकी ते चढ़े हुए ने। रोज दे 6 दिन बीत जाण ते भी किसे वल्लों उन्हां दी सार नूं पुछे जाण ते प्रदर्शनकारियां च दिन ब दिन रोष वधदा जा रहा। देखो कुछ तस्वीरां जिस च संगीत ते नारेबाजी राही पंजाब सरकार दे पर्दे फोले जा रहे ने। जे सानू तुसीं पक्के ना मेरा देश महान सी लोको मेरा देश महान चंडीगढ़ बुलाया गया है, जिस तो बाद रोज कर रहे प्रदर्शनकारी चमकौर सिंह ने मीडिया सामने खुल के पंजाब अते जल सप्लाई विभाग खिलाफ भड़ास कड़ी। अज 6वां दिन चल रहा धरने का। इतने अज साडा रोड जाम का प्लैन सीगा, पर सानू एमरजेंसी विच मीटिंग बुलाई गई है। उत्थे ते साडे जिहड़े यूनियन दे 5 मुख्य अहुदेदार सीगे ओह चंडीगढ़ विच मीटिंग करन गए। 2 बजे दी मीटिंग सीगी ते अज असीं 4 बजे पिंड दे विच भीख मंगन जाणा। साडा नैक्सट एक्शन प्लैन यही है, जे साडी अज दी मीटिंग दे विच कोई पॉजिटिव पुइंट नहीं आउंदा तां असीं रोड जाम करांगे अणमिथे समय लई। जिस तों बाद वी सरकार साडी गूंगी बोली बनी रहिंदी, साडा कुछ हल नहीं करदी, तां साडे बंदिआं दा पैनल बणूगा जो भुख हड़ताल ते बैठणगे। जे फिर भी कोई साडी सुनवाई नहीं हुंदी कि साडियां मंगां नहीं मंगियां जांदियां, इस तों बाद असीं उही भुख हड़ताल नूं मरण वरत दे विच सारे जणे तब्दील करांगे। कोई मूड नहीं जी, जिन्ना चिर साडा कोई हल नहीं हुंदा, सानूं परमानेंट कोई भी साडा रिजल्ट नहीं आउंदागा, असीं टैंकी छड्ड देणगे। दूजे पासे फरीदकोट तों प्रदर्शनकारी बलविंदर कौर ने मीडिया सामने ऐलान कीता कि जे उन्हां दीआं मंगां ना पूरियां कीतियां गईआं तां उह अपनी जान दी बाजी लगाउणगे, जिस दे जिम्मेवार पंजाब सरकार होवेगी। सर हुण जिहड़े इस टाइम साढ़े मुलाजम टैंकी 'ਤੇ चढ़े हुए, वो टोटल 6 जने हैं जी, पर वो साढ़े मुलाजम उदों तक ही टैंकी 'ਤੇ चढ़े रहेंगे जदों सानू कोई उधरों पॉजिटिव कोई जवाब नहीं मिलता। साड़ी हुण इस टाइम 2 बजे मीटिंग आ, उत्थे कोई पॉजिटिव सानू ना भी कोई भी साढ़े लिए पॉजिटिव ना रिजल्ट निकलिया जी। जे नैगेटिव रिजल्ट होया तो साढ़े जिहड़े बंदे उपर टैंकी 'ਤੇ चढ़े हुए आ वो छाल लगाउण लई तैयार आ जी, ते थल्ले असीं रोड जाम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਮਸਟ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਜੀ। 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਲ ਆ ਜੀ, 4 ਜਾਣੇ ਮੇਲ ਆ, 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।